सोनीपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुठभेड़ के उपरांत 25,000 का इनामी बदमाश, मोस्ट वांटेड बदमाश को उनके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जो है बिट्टू उर्फ काड़ू, निवासी बरोना जिला सोनीपत का, और उसका जो साथी है अकील उर्फ छोटा, निवासी विगाना जिला मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला है। इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए एसपी सोनीपत जसनदीप रंघावा ने बताया कि सीआईए स्टाफ वन प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ अपराधियों व सामाजिक तत्वों की खोजबीन में ककरोई रोड पर मौजूद था कि पुलिस को पता चला कि 25,000 रुपये का इनामी बदमाश बिट्टू और उर्फ काड़ू अपने साथी के साथ पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा एलम कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में भी पुलिस ने उन पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसमें जो बिट्टू है इसको गोली लगी है, घायल हो गया है। उसके बाद दोनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 2 अवैध देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। और इस मामले में पुलिस ने थाना सदर सोनीपत में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पैंसवाल के अंदर उसके ऊपर 377 IPC सुडमी का केस दर्ज है। मार्च 2020 के अंदर वो जो डॉक्टर बंगाली के ऊपर हमला किया गया था बिट्टू द्वारा, उस घटनाक्रम के अंदर वो भी शामिल था। इस प्रकार से काफी आधा दर्जन से ज्यादा घटनाओं का, लूटपाट और मर्डर की घटनाओं का इनकी अरेस्ट के साथ उनसे पर्दा उठा है और अभी इनसे अभी और आगे जांच आएगा, आपको बताया जाएगा। जी एसपी साहब, आज CIA 1 सोनीपत की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इंस्पेक्टर रविंदर जो कि CIA 1 के इंचार्ज हैं और उनकी टीम के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे जिले का एक मोस्ट वांटेड अपराधी ककरोई क्षेत्र के अंदर देखा गया, जिसके ऊपर इन्होंने अपनी पेट्रोलिंग पार्टीज एरिया के अंदर निकाली और जब फेस टू फेस उसको वहां पे उसके साथ सामना हुआ तो मोस्ट वांटेड अपराधी बिट्टू और उसके साथी अकील, इन दोनों द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए, जिसके उपरांत पुलिस पार्टी द्वारा उसको वार्निंग दी गई और रिटेलिएटरी कार्रवाई के अंदर फायरिंग की गई, जिसके अंदर उसके टांग के ऊपर एक गोली लगी। इस पूरे प्रकरण के अंदर पुलिस टीम ने बिट्टू उर्फ कालू जो कि सन ऑफ सतबीर जो कि बरौने का रहने वाला, इसको राउंड अप किया। बिट्टू के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम सोनीपत पुलिस द्वारा घोषित किया गया हुआ है। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।